तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रोनिन गाड़ी की पहली सर्विस में क्या क्या काम होता है। तो अभी सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल का नट खोल लेते हैं, और उससे पहले हमने गाड़ी को 2 मिनट गर्म किया। उसके बाद में इसका ड्रेन नट खोलना है, जो कि इंजन के ठीक आपको नीचे की तरफ को मिल जाएगा। तो अभी इंजन ऑयल निकल रहा है इसका, और अभी आपको दिखाते हैं डिपस्टिक, यहाँ से इसका तेल डलना है। तो अभी इसको खोल लेते हैं, क्योंकि मे बी एयर बन जाती है जिस वजह से ऑयल प्रॉपर से नहीं निकल पाता, तो इसको खोल लेते हैं जिससे हमारा ऑयल प्रॉपर तरीके से निकला है। अभी हम इसका ऑयल फिल्टर खोलते हैं, जो कि आपको राइट साइड में मिल जाएगा, 2 8 नंबर के वोल्ट है। इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर आपको ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा। दोनों निकाल के इस तरह से हल्का हल्का हिला के इसको निकालेंगे। ये सामने आपको ऑयल फिल्टर दिख जाएगा और इसको निकाल लेना है। अभी हम इसमें नया ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, तो ये अभी टीवीएस से हमने ले लिया, और अभी इसको लगा के दिखाएंगे किस तरह से लगना है। लगाने से पहले क्या करेंगे, ऑयल फिल्टर को खोल के उसके अंदर इंजन ऑयल भर लेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम इसको लगाए थे और इंजन ऑयल नहीं इसके अंदर फिल करेंगे, तो ऑयल चढ़ने में काफ़ी समय लगता है, फिल्टर होने में समय लगता है, तब तक गाड़ी आपकी सूखी चल जाएगी। तो उस चीज़ के कॉज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑयल फिल्टर में ऑयल भर के तब इसको फिट करेंगे। तो अभी ऑयल फिल्टर लगा लिया हमने, और इसका ऑयल फिल्टर कैप लगा लेते हैं। दोनों 8 नंबर के बोल्ट को वापस से इसकी जगह पे लगा देंगे। तो अभी इंजन ऑयल पूरी तरह निकल गया है, उसका ड्रेन बोल्ट को हमें साफ़ कर लेना है, जो उसकी टिप है मैग्नेटिक होती है, उसको साफ़ करेंगे पहले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद में उसके ड्रेन बोल्ट को उसकी जगह पे लगाएंगे जहाँ से हमने इसको निकाला था। तो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद उसको लगाते हैं। अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ठीक है, और लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उसको लगाते हैं, फिर ऑयल डालने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, कितना तेल इसमें डलेगा और किस क्वान्टिटी में रहेगा आपको पूरा दिखाते हैं। तो अभी ड्रेन नट लग चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल जो इसमें डलेगा 1300 ml क्वांटिटी में डलेगा, और फुली सिंथेटिक तेल डलेगा। तो फुली सिंथेटिक तेल इसमें डालते हैं हम। सबसे पहले हमने इसमें 1 लीटर तेल डाल दिया है, अभी हम इसमें 300 ml दोबारा से फिल करेंगे और 1300 ml इसमें तेल डालेंगे, ठीक है। तेल डालने के बाद में हम इसका एक बार लेवल भी चेक करेंगे, जो डिपस्टिक में निशान दिया गया उसके हिसाब से है कि नहीं। तो अभी डिपस्टिक को जस्ट हमने डिप किया है, और डिप करने के बाद ही जो उसका हाइएस्ट पॉइंट होता है हम देख लेंगे, इस लेवल तक तेल हमारा टच होना चाहिए, यानी कि हमारा तेल का लेवल बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसको टाइट करते हैं, बाकी आगे का हम देखते हैं। तो अभी इसका सबसे पहले हम चेन टाइट कर लेते हैं। चेन आपको दिख रही होगी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो चेन को एडजस्ट करते हैं। चेन के एडजस्ट करने के लिए हमने राइट साइड पर नट खोल लिया है, और दोनों एडजस्टर वाले जो पॉइंट्स होते हैं नट, उनको बराबर बराबर टाइट कर लेना है। उसके बाद में हम चेक करते हैं, तो हमारी चेन प्रॉपर टाइट हो चुकी है, जो कंपनी बोलते हैं 20 से 30 mm में इसमें एडजस्ट हो चुकी है। अभी हम इसका नट टाइट कर लेते हैं वापस से। इसके बाद हम इसकी बैटरी वाला पैनल खोलेंगे। तो बैटरी वाला पैनल हम क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि बैटरी के जो पिंपल्स होते हैं उस पर रस जम जाता है, कोरोजन जम जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आजकल एक बैटरी कोटिंग स्प्रे आता है, तो हम उस पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारी बैटरी लॉन्ग टाइम तक चले। तो बैटरी पैनल को खोलने के लिए 2 पेज तो आपको नीचे दिख जाएंगे, और एक पेज जो होगा सीट के नीचे की तरफ होगा। तो सीट निकाल ली हमने, ये वाला पेज उसको खोलेंगे, और सीट इजीली जो हमारा पैनल है राइट साइड वाला खुल जाएगा। उसके बाद में बैटरी स्प्रे इस पर कोट कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ब्लू कलर का हो गया, इससे हमारा बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्ट रहेगा। अभी हम इसका एयर फिल्टर क्लीन करते हैं। तो सेम वैसे ही लेफ्ट साइड में 2 पेंच है 10 नंबर के, इसको हम ओपन कर लेंगे, और एक पेज इसका सीट के ऊपर की तरफ है, तो हमने सीट तो निकाली रखी है। सीट के नीचे आपको दिख जाएगा एक स्क्रू होगा, स्क्रू को हम खोलेंगे, उसके बाद में हम इसका एयर फिल्टर खोलेंगे। वैसे तो एयर फिल्टर इसका इस तरह भी निकल सकता है, बट पैनल हमने इसलिए खोला थोड़ा ईजिली निकल जाएगा, हमारा काम थोड़ा ईजिली हो जाएगा। तो अभी निकाल लिया हमने, दोनों पेंच इसके खोल लिए, 2 ही पेंच दिए गए एयर फिल्टर में। 2 पेंच खोलने के बाद में हम इसका एयर फिल्टर निकालते हैं। तो अभी एयर फिल्टर मैंने देखा दूसरी गाड़ी में, इतना अच्छी क्वालिटी का टीवीएस ने नहीं लगाया, मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा कर सकती थी, बट कोई नहीं। अभी हम इसको क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसको हम क्लीन करेंगे एयर प्रेशर से, और करने के बाद में पीछे वाले हिस्से को क्लीन करने के बाद में अब हम इसका फ्रंट वाले हिस्से को क्लीन करेंगे। पीछे वाला इसलिए क्योंकि रस्ट पीछे की तरफ को काफ़ी जम जाता है, तो अगर हम सामने से हवा मारेंगे तो सारी डस्ट जो होगी पीछे की तरफ चल जाएगी। तो पीछे से मारने के बाद अब ये आगे से हवा इसमें मार लेते हैं, जिससे हमारा एयर फिल्टर पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। इसको वापस से लगा देंगे। अभी हम इसकी क्लच की फ्री प्ले एडजस्ट करेंगे, जो कि सर्विस के टाइम पर बहुत मेन काम होता है, जो गियर शिफ्टिंग में दिक्कत भी दे सकता है और क्लच प्लेट्स भी खराब होते हैं। तो इसके लिए हम क्लच प्ले को प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। तो जो 10 से 20 mm की फ्री प्ले इसमें कंपनी बोलती है उतनी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्टेबल लीवर है, इजीली एडजस्ट आप भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम डिस्पैड क्लीन करेंगे, जो सर्विस में मेन काम है, अगले पिछले डिस्पैड क्लीन होने चाहिए। तो हम सबसे पहले डिस्पैड पिछला क्लीन कर लेते हैं, अगला भी आप करा सकते हैं, वैसे अगले का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो हम मेनली इसका रियर वाला कर रहे हैं, जो कि हर टाइम अप्लाई होता है।
तो डिस्पैट हमने निकाल लिए हैं। अभी एमरी पेपर लेते हैं, एमरी पेपर से उसको क्लीन करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कितना शाइनी डिस्ब्रेक हो रहा है हमारा जो पैड है, कितने शाइनी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं डिस्पैट को, और अभी देख रहे होंगे आप इसको, डिस्पैट को हमने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको इसी जगह पर हम वापस से लगा देंगे, जिससे आपकी ब्रेक की जो एफिशिएंसी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गाड़ी की सर्विस हमारी अप्रॉक्स हो चुकी है। अब लास्ट काम एक हमारा यही रह गया कि इसको चेन को उसके लुब्रिकेंट करें। तो हमने कंपनी रिकमेंड चेन स्प्रे लिया, उसको कर लिया। इसके बाद हम अपनी गाड़ी की राइड को इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताना मेरे को। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब।